एवरीवन, टुडे वी विल मूव फर्दर विच इज़ पोम द लिटिल फिर ट्री। शेठी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। शेठी एक मैजिशियन का नाम है, ठीक है। वो जब अपने घर पे जा रहे थे, रिटर्न हो रहे थे अपने घर पे, तो बहुत ज़्यादा तेज रेन हो रही थी। इट रेन हैविली, बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी हैविली। शेठी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रीटी लिटिल फिर ट्री। ही रन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो उसने सामने एक फिर ट्री देखा, उस वो उधर जल्दी जल्दी भागने लगा, ठीक है, शेल्टर के लिए। Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. अचानक रेन स्टॉप हो गई और शेट्टी खुश हो गया कि वो भीगा नहीं, वो गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। अब उसने क्या बोला उस ट्री को कि थैंक यू, आपने मेरे को भीगने नहीं दिया और मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, और आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, रिवार्ड देना चाहता हूँ। आस्क फॉर फोर विशेस, कोई भी फोर विशेस के लिए आप मेरे को बोलो, एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं आपको वो चार विशेस आपकी पूरी कर दूंगा। सर द मैजिशियन, मैजिशियन ने ये ट्री को बोला। द सैड फायर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अभी जो ये ट्री थी, ठीक है, उसके ऊपर उसकी पत्ते कैसे थे, उसकी पेड़ कैसी थी, बहुत नोकीली थी, जो बर्ड्स वगैरह भी उसके ऊपर नेस्ट नहीं बनाते थे। सो इट वर इट सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। अब वो बोलना चाहता है कि मेरे को ऐसी ग्रीन लीव्स चाहिए जैसे मेरी दूसरी ट्रीज जो इसके फ्रेंड हैं उनके पास ऐसी ग्रीन अच्छी लीव्स हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश विश वॉज ग्रांटेड। अब नेक्स्ट जैसे ही वो मॉर्निंग हुई, उसकी विश भी पूरी हो गई, उसके जो कांटेदार जो था जार, वो किस कैसे बदल गया, ग्रीन लीव्स में बदल गया। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अब अचानक गोट आई और उसकी ग्रीन लीव्स को उसने खाने लगी। ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एंड गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब वो बोलना चाहते हैं कि मेरे पे कौन सी आनी चाहिए, गोल्ड लीव्स आनी चाहिए, ऐसी लीव्स आनी चाहिए ताकि मेरे को गोट वगैरह नहीं खा सके। व्हेन द लिटिल फिर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, तब वो जो फर ट्री थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, गोल्ड लीव्स वाली ट्री में कन्वर्ट हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। अब उसने क्या बोला, मैं बहुत खुश हूँ। अ मैन केम अलॉन्ग अ स्टोल द गोल्ड लीव्स। अभी एक आदमी आया, एक मैन आया, उसने उसकी गोल्ड लीव्स को चुरा लिया, अपन इसमें देख सकते हैं, ठीक है। I wish I had glass leaves instead. अब वो बोलना चाहते हैं, अब मुझे गोल्ड लीव्स भी नहीं चाहिए, अब मुझे कैसी चाहिए, ग्लास लीव्स चाहिए। मैन डू नॉट स्टोर ग्लास लीव्स। अब मैन जो हैं वो चुरा तो नहीं सकते हैं ग्लास लीव्स, उसका क्या करेंगे मैन। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। अब उसने क्या बोला, अभी नेक्स्ट डे पे उसकी ग्लास लीव्स हो गई थी, ठीक है, अब वो बहुत खुश हो गया था कि अभी मेरे को कोई भी चुरा नहीं सकेगा, मेरे लीव्स को कोई भी तोड़ के लेके जा नहीं सकेगा। एट नाइट द विंड ब्लू हू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अब दूसरे उसी नाइट पे विंड आई, हवा आई और ग्लास लीव्स सब उसकी नीचे गिर गई, टूट गई। ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई लाइक माय ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टोल दैम, द विंड विल डू दैम नो। हाँ, अब वो बोलता है कि मेरे को अभी ये सब में से कोई भी लीव्स नहीं चाहिए, जैसे मेरी पहली फिर लीव्स थी वैसे की वैसी ही मुझे वापस से लीव्स चाहिए, ना गोट खा सकेंगे ना मैन उसे
चुरा सकेंगे ना विंड उस लीव्स को तोड़ सकेंगे। द ट्री वेंट टू स्लीप, अब ट्री क्या हो गई, सोने चली गई। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, अब वापस से वैसे की वैसी ही वो ट्रीज हो गई, उसकी नीडल लीव्स वापस से उसके पास आ गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर ट्री, अब उसने बोला ओ मैं इतना खुश पहले नहीं हुआ जितना मैं अभी खुश हो गया हूँ। सो हियर वी एंड अप आवर सेशन, थैंक यू।